उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को लेकर अभी दुनिया में रहस्य बना हुआ है। पिछले कुछ समय से सार्वजनिक तौर पर नहीं दिखाई देने के बाद मीडिया में उनके स्वास्थ्य को लेकर तरह तरह की खबरें सामने आ रही हैं। अमेरिका के एक अधिकारी ने दावा किया है कि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनकी दिल की गंभीर सर्जरी के बाद स्थिति काफ़ी गंभीर बनी हुई है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक किम जोंग की बीते दिनों दिल की सर्जरी हुई है जो कि सफल नहीं रही है। हालात अभी भी काफ़ी ख़राब हैं और उनकी मौत की आशंका भी जताई जा रही है। अब समय ही बताएगा कि किम जोंग बीमार हैं या किसी कारण से सार्वजनिक तौर पर दिखाई नहीं दे रहे। बता दें, तानाशाह किम जोंग उन बहुत ही लग्जरी लाइफ जीते हैं। बताया जाता है कि वह साल भर में 200 करोड़ रुपए की शराब पी जाते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनके पास लगभग 10,000 करोड़ डॉलर यानी लगभग 75,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है। वह कई प्रकार के काले कारोबार के माध्यम से अपना शौक पूरा करता है। इसमें उत्तर कोरियाई अधिकारी तस्करी कर उनका सहयोग करते हैं। किम जोंग उनकी गिनती देश के सबसे क्रूर शासकों में होती है। किम जोंग के जुल्मों की दास्तां सभी के सामने एक खुली किताब है। ये एक ऐसा सिरफिरा शासक है जो अपने मन मुताबिक नियम बनाता है और ना मानने वालों की सिर्फ एक सज़ा होती है और वो है मौत। अपने रास्ते में आने वाले लोगों की हत्या करने से पहले वह एक बार भी नहीं सोचता। बता दें कि सत्ता हस्तांतरण में भी उत्तर कोरिया का खूनी इतिहास रहा है। किम जोंग उनके दादा और पिता भी जब गद्दी नशी हुए थे तो बड़ी संख्या में अधिकारियों को मौत के घाट उतारा गया था। किम जोंग उन अपने भाइयों में सबसे छोटा होते हुए भी सत्ता पर काबिज हुआ था। उसके बड़े भाई की मौत हो चुकी है। कहा तो ये भी जाता है कि जोंग उन ने ही बड़े भाई की हत्या करवाई थी। साथ ही तानाशाह का मझला भाई देश के बाहर है और उसने सत्ता के प्रति अपनी अनिच्छा पहले ही जता दी है। ऐसे में सत्ता की प्रबल दावेदार के तौर पर किम जोंग उनकी बहन किम यो जोंग को माना जा रहा है। किम योंग जो को तानाशाह का विश्वस्त माना जाता है। अपुष्ट सूत्रों के मुताबिक किम जोंग उन खुद भी चाहता है कि उसके बाद उसकी बहनी सत्ता संभाले। शायद ही किसी को पता हो किम जोंग उन किस धर्म को मानते हैं। उत्तर कोरिया का ये तानाशाह एक नास्तिक है, यानी एक ऐसा शख्स जो किसी ईश्वर को नहीं मानता। किम जोंग उन किसी धर्म और किसी ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखते हैं, बल्कि किम खुद को ही भगवान साबित करने तक के लिए भी अब तक कई दावे कर चुका है और ये तक कह चुका है कि जब उसका जन्म हुआ था तब आसमान में एक सितारा बना था जो आज भी है और उसके पास मौसम बदलने की भी ताकत है।